दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं का लफ्ज, नहीं का वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, होती है आ ई ए, यानी वह गया। ठीक है, गया में आ की आ का लफ्ज आ गया, आ का वर्ड आ गया। वह गई, ठीक है, वह स्कूल गई, वह खाना खाई, ठीक है, वह स्कूल नहीं गई, चूँकि हम निगेटिव पढ़ रहे हैं इसमें नहीं का लफ्ज़ जुड़ जाएगा। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, इसमें भी देखिए आ गया, वह स्कूल नहीं गई, इसमें भी देखिए ई आ गया, हम स्कूल नहीं गए, ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया, वे स्कूल नहीं गए, अब क्या आ गया इसमें, सब इसमें एक ही आ गया। ठीक है, ए का लफ्ज़ आ गया, ए का वर्ड आ गया। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग जो होती है वो डिड होती है। ठीक, अब इसका फार्मूला हम देखते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, ठीक है, इसको आप सिर्फ डिड भी लिख सकते हैं, प्लस नॉट प्लस, यहाँ पे हमें यह ध्यान देना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल एग्जांपल, वह स्कूल नहीं गया। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट हमें लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की इंग्लिश होती है ही। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, ठीक है, ही डिड। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, नॉट। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, वर्ब लगाना है। ठीक है, वर्ब क्या है, जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब जाना, ठीक है, गो इसी का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, ही डिड नॉट गो कहाँ, स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, और भी देख लीजिए, तुम खाना नहीं खाए, ये भी बिल्कुल इजी है। अब इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें तुम है यानी यू। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है, यू डिड। उसके बाद नॉट लगाना है, ठीक है, ये देखिए सामने यू हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डिड लगा दिया, सब्जेक्ट यू हो गया, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। उसके बाद नॉट लगा दिए, फिर वर्ब इसमें हम खोजे, वर्ब क्या है, ठीक है, खाने, ईट, ठीक है, उसके बाद क्या है, फूड, ईट फूड। ठीक है, इस तरह से ये बहुत ही ईजी है। और भी आप देख लीजिए, वह बाज़ार से सब्ज़ी नहीं लाया। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इसमें भी देखिए ये भी बिल्कुल ईजी है, सब्जेक्ट इसमें ही है, ठीक, ही। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, उसके फौरन बाद हमें नॉट लगाना है, ही डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें तलाश करना है, सर्च करना है, इसमें खोजना है हमें कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, वर्ब इसमें लाना है, तो ब्रिंग हो गया, ब्रिंग क्या लाता है, सब्जी, सब्जी को वेजिटेबल, ठीक है, वेजी टेबल्स कहाँ से, फ्रॉम मार्केट, बाज़ार से, ठीक है, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है इस फार्मूले के ऊपर, ठीक है, कि ये फार्मूला अगर हमें याद हो गया और थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस कर लिए तो हमें ये करना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आ की मात्रा आ गई या आ का लफ्ज़ आ गया आखिर के अंदर, ई आ गया, ए आ गया।